माँ बाला त्रिपुर सुंदरी देवी की आराधना मात्र से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। नवरात्र माँ की उपासना और उन्हें प्रसन्न करने का सबसे उत्तम समय है। जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने माँ बाला त्रिपुर सुंदरी को स्थापित किया है। सिवनी से 50 किलोमीटर दूर लखनादौन विकास खंड में 500 मीटर की ऊंचाइयों पर माँ बाला त्रिपुर सुंदरी देवी का मंदिर स्थापित है, जहाँ माँ भगवती की आराधना मात्र से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर दोनों नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें श्रद्धालुओं द्वारा नवरात्रि पर अपनी मनोकामना पूर्ति के ज्योति कलश रखे जाते हैं। मंदिर में नवरात्रि शुरू होते ही भक्त माँ भगवती की आराधना में लीन हो जाते हैं। मंदिर के पुजारी ब्रह्मचारी राघवानंद ने बताया कि यह मंदिर बहुत पुराना है और गुरुजी ने इस मंदिर को खंडहर में देखा तो गुरुजी ने सन 1984 में माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने 9 जून सन 2010 में इसका जीर्णोद्धार किया। भगवती की पुरानी प्रतिमा है उसे पीछे एक छोटे मंदिर में स्थापित किया गया है एवं जो नई भगवती की प्रतिमा आई है यह 8 वर्ष की कन्या माँ बाला भवानी भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी देवी की बेटी हैं एवं मंदिर में इनके साथ प्रथम पूज्य भगवान गणेश एवं 9 देवियों और सर्व सिद्ध हनुमान जी की भी स्थापना की गई है, जो परिक्रमा करते हुए श्रद्धालु दर्शन करते हैं। 84 से भगवती की प्रतिष्ठा हुई, उसके पश्चात यहाँ हर नवरात्रि में जोत जलती हैं और मंदिर समिति के द्वारा यहाँ जोतों का काम पूर्ण होता है और यहाँ जस प्रतियोगिता 10 साल से होती थी। ये 11वां वर्ष था, मगर कोरोना के चलते इस वर्ष जस प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे सिवनी जिला के पूरे लोग आते हैं और दूर दूर से भी लोग यहाँ आते हैं दूसरे ज़िलों से। एक ये लखनादौन तहसील में तीर्थ क्षेत्र है बाला त्रिपुर सुंदरी। यहाँ भगवती इस क्षेत्र को इतना सुखी रखे हैं कि बहुत ज़्यादा, और यहाँ के लोगों की यहाँ बहुत श्रद्धा है बाला त्रिपुर सुंदरी में। और यहाँ नवरात्रि में कार्यक्रम किया जा रहा है, लोगों को मास्क ही पहन के आना है, बगैर मास्क के मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते और सैनिटाइज यहाँ छिंचवाते हैं डेली। इसलिए भगवती के लिए जो जितना कर सके उतना लोग करें और भगवती बाला त्रिपुर सुंदरी 8 वर्ष की कन्या है, पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा स्थापित हैं। माँ भगवती की आराधना से सब कुछ मिल जाता है। यह मंदिर एक टेकरी पर स्थापित है जो लगभग 500 मीटर की ऊंचाइयों पर है। माँ भगवती के दरबार में शांति का वातावरण है, ऊपर से चारों ओर देखने पर हरियाली ही हरियाली नजर आती है। नवरात्र के दिनों में विशेषकर अष्टमी के दिन यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुँचते हैं। ब्रह्मचारी राघवानंद ने बताया कि इस वर्ष कोरोना के मद्देनजर मंदिर परिसर में कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं को बगैर मास्क के प्रवेश नहीं दिया जा रहा है एवं सभी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।